हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, जो आपके डीपीएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो उसकी यूनिट 5 का एक टॉपिक है एक्टिविटीज टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जॉयफुली, सिंगिंग नर्सरी राइम्स, प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग। तो ये टॉपिक वैसे मैं सोच रही थी इसकी वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, प्लस इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना है और एक्टिविटीज तो सबको पता ही होती है, सब लिख सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार एक छोटी सी वीडियो बना ही देती हूँ। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, पहले जो आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन आप ऐसे दोगे कि आपको प्ले की और एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस बतानी है, कि प्ले जो है अगर बच्चा एक फन और एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में पढ़ेगा, बच्चा अच्छे से लर्न करेगा, जल्दी लर्निंग होगी, रोड लर्निंग नहीं करेगा। तो जो भी सारे हमने प्ले के सारे पॉइंटर्स पढ़े हैं, बेसिकली एक ही चीज पे हम लोग घूमते रहते हैं इस डीपीएससी कोर्स में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बच्चे को प्ले बेस्ड पढ़ाई करवानी है, बच्चे पे बर्डन नहीं डालना, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवानी। तो कुछ ये तीन चार चीज ऐसी है कि जिसको आपको हर आंसर में लिखना ही लिखना है। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन एक दो पेज का वो देना है, फिर एक पेज का ये पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे इनको सबको आप एक्सप्लेन करोगे 5-6-7 लाइंस में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वर्ड गेम। वर्ड गेम जैसे कि हमारे एंड्रॉइड फोन्स में भी होते हैं, जैसे वो अलग अलग यहाँ पे बने हुए होते हैं और आपको इनको ज्वाइन करके चार एक वर्ड बनाना होता है। तो इस टाइप के आप वर्ड गेम करा सकते हो, राइम्स करा सकते हो आप बच्चों को। और थर्ड है टेल मी हु एम आई, ऐसे गेम्स जैसे कि आपने कोई इंग्लिश में सेंटेंस बोला, आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स, टेल मी हु एम आई, बच्चे बोलेंगे मैं गो। तो इस टाइप से बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड होती है। उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग कराइए बच्चों को, बिंगो शीट कराइए, बिंगो गेम्स कराइए। जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आपके स्कूल में ABCD पढ़ाते हैं तो उनको ABCD वाला बिंगो कराओ, साउंड्स वाला है तो अगर साउंड्स शीट कराओ, साउंड्स लिखी है बच्चे को कट करनी है बिंगो की तरह, आप बिंगो करा सकते हो। उसके बाद आप बच्चे को सॉन्ग्स कराओ, सॉन्ग्स वेदर इन इंग्लिश वेदर इन हिंदी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। उसके बाद होमोनिम्स, होमोनिम्स मतलब जो एक ही जैसे वर्ड दिखने में होते हैं और प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, कि कुछ कुछ की सेम भी होती है लेकिन वो दिखते हैं क्या, मीनिंग अलग होता है, ऐसे वाले वर्ड्स भी उनको सिखाइए। साथ साथ उनको जोक्स सुनाइए इंग्लिश के या हिंदी के जो थोड़ा सा सेंस बना रहे हो। उसके बाद टंग ट्विस्टर, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चा वाले यानी एलिट्रेशन वाले आए, तो इस टाइप से बहुत होते हैं इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो ये जो है कुछ मेरी पर्सनल एक्टिविटीज है जो मैं प्रेफर करती हूँ अपने बच्चों को कराने में। तो आप भी इसमें अगर आपको कोई और एड ऑन करनी है आप कर सकते हो, और आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ साथ इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।